हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को 71st इंडिपेंडेंस डे की बधाई देना चाहूँगा। तो आप सबको बताया आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, काफ़ी रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी कि स्टेट डिज़ाइन पर क्वेश्चन आया था नाबार्ड में और काफ़ी लोगों को दिक्कतें हुई थी, तो मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो जो है एक बेसिक प्रिंसिपल जो होता है एक सेट डिज़ाइन का, उसको बस आपको बताएगा। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस पे है, मैं डिटेल में भी बनाऊंगा उस वीडियो का, लेकिन ये अभी जो बेसिक प्रिंसिपल है इसके रिस्पांस अगर अच्छा रहा लोगों का तो मैं इसको और डिटेल में बनाऊँगा सेट डिज़ाइन को, वरना कोई दिक्कत नहीं। आप इसको भी अगर देख के अगर आपको बेसिक प्रिंसिपल पता है तो आप कोई भी सेट डिज़ाइन किसी भी तरह का कर सकते हैं, या आपको नॉलेज हो जाएगा कि किस तरह से सेट डिज़ाइन करना चाहिए किसी भी जानवर के लिए, इससे पता चल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात होती है कि सेट डिज़ाइन, जैसे आप अपने लिए घर बनाते हैं, तो आप अपने लिए घर बनाते हैं तो उस घर बनाते टाइम आप सब चीज़ का ख्याल रखते हैं कि प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर एक्सेस एरिया होना चाहिए, आप कहाँ अपनी कार पार्क करेंगे, कहाँ एसी लगाएंगे, और कहाँ आपका किचन होगा, कहाँ आपका लिविंग रूम होगा, कहाँ आपका ड्राइंग रूम होगा। सेम प्रिंसिपल जो है वो डेयरी फार्म के लिए, जो डेयरी कैटल है उनके लिए भी सेम प्रिंसिपल ही फॉलो किया जाता है। कहीं आप अगर मान लीजिए हिल स्टेशन जाते हैं तो वहाँ आपको इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा लगता है, तो आपको अच्छा लगा ना वो इन्वायरमेंट, आप अपने घर से निकल के दूसरी जगह गए तो इन्वायरमेंट आपको अच्छा लगा, तो अच्छा इन्वायरमेंट ही आपकी अच्छी सेहत का राज होता है, ये आप समझ सकते हैं। तभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी क्लीन इंडिया कैंपेन चलाएं। और अच्छा हेल्थ होगी तो अच्छी इकोनॉमी भी डेवलप होगी, उससे लोग भी अच्छे स्वस्थ रहेंगे। तो बस यही चीज़ें हैं कुछ जो आपको सेट डिज़ाइन करते टाइम ध्यान में रखना चाहिए अगर आप डेयरी कैटल के लिए सेट डिज़ाइन कर रहे हैं। जैसे कि काफ़ी आप लोगों ने देखा होगा कैटल्स के लिए लोग कूलर लगाते हैं, एसी लगाते हैं, उनको ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा सर्दी नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें ध्यान रखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपको, अगर प्रॉफिटेबल डेयरी बिजनेस करना है तो सबसे पहले आप तो गुड गुड ब्रीड के डेयरी एनिमल्स को सेलेक्ट करिए, ठीक। उनकी बैलेंस डाइट उस पर ध्यान रखिए, उनको कोई बीमारी ना हो पाए, आपको काफ़ी लॉस होगा। कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, ये कंफर्टेबल इन्वायरमेंट के अंदर ही आता है सेट डिज़ाइन कि किस तरह का आप सेट डिज़ाइन करेंगे। तो इन्वायरमेंट सबसे अच्छा होना चाहिए ताकि जो है जानवर जो है हेल्दी रहें। तो सबसे पहली बात आता है ओपन एज वेल एज क्लो कवर्ड और वेंटिलेटेड हो, ताकि जो है वहाँ पे जो जिसे कहते हैं ह्यूमिडिटी उमस वो कम हो, ठीक है। ओपन का मतलब क्या होता है कि अब जैसे ज़्यादा गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में ज़्यादातर टाइम जो जानवर है वो अंदर रहेंगे, तो उस हिसाब से वो सर्दियाँ हैं तो सनलाइट रहे, सर्दियों में कोई दिक्कत नहीं, वो रात में अंदर रहें, दिन में जो है बाहर रह सकते हैं क्योंकि सर्दियाँ हैं, तो इस हिसाब से होने। और जो स्ट्रक्चर जो हो वो भी इस टाइप से हो ताकि आप उसको इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकें। हालांकि आपको ज़्यादा मतलब ज़रूरत नहीं है कि आप उसको काफ़ी पैसे लगा के बनाएं, आप वुडन का बम्बू स्टिक या वुडन का भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें आप ये याद देखें कि जो उसमें इंसेक्ट्स हो जाते हैं वो फिर जानवरों को काफ़ी हार्मफुल होते हैं, जानवरों के लिए उनसे काफ़ी बीमारियाँ फैलती हैं। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से बनाइए, जो भी है आयरन रॉड्स का यूज़ करिए, आयरन शीट्स का यूज़ करिए, टीन जो डाल देते हैं उसका यूज़ करिए उस टाइप से। बस ये ध्यान रखिए कि ज़्यादा गर्मी ना हो, ज़्यादा सर्दी हो, जैसे आप रहते हैं आप सेम तरीके से एनिमल्स के लिए सोचिए, बस और कुछ नहीं, यही है बस इसका मतलब। सबसे पहली बात, इजी एक्सेस टू वाटर फॉर और फॉडर। अब जानवर बोल तो सकते ही हैं, तो उनके लिए पानी और जो उनका खाना वो हमेशा 24x7 जो है अवेलेबल हो, उनको आसानी से कहीं भी जाएँ वो उनको मिल जाए अगर उन्हें भूख लगे। शुड बी इजली एक्सेस फॉर एनिमल्स और पर्सन। और जो होता क्या है कि सेट डिज़ाइन करते टाइम कभी कभी हम लोग अपने लिए भूल जाते हैं कि जो वहाँ लेबरर्स जो काम करते हैं उनके वह ख्याल रखना चाहिए कि उनको जो है काम करते टाइम आसानी हो, वो जो फॉडर है, चारा है, जो वो आसानी से दूसरे जानवरों को डाल सके, आसानी से उसका जो प्रॉपर जो जहाँ से लाया जाता है एंट्री और एग्जिट पॉइंट प्रॉपर हो, वो ये भी चीज़ें काफ़ी ध्यान रखनी चाहिए। और ये तो हम बता ही चुके हैं फॉर विंटर्स। सेट जो कन्वर्टिबल हो कि किसी भी टाइप के फॉर्म में चेंज हो सके, ओपन और क्लोज हो, वुडन और हो या आयरन पाइप से हो, फील फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए एनिमल्स का, बड़ा हो, सिटी से थोड़ा दूर हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा,
इन्वायरमेंट आप शेड एक जगह बनाए लेकिन उसके अलावा भी बाकी जगह छोड़ कर रखे जहाँ पेड़ पौधे लगा कर रखें, ताकि जानवर इधर उधर घूम सकें आराम से, उनको कोई दिक्कत ना हो, आराम से घूम सकें। जैसे देखिए ये शेड है, अब इस शेड में ये तीन सेट लगा दिया और ये जो है ये पिलर्स खड़े कर दिए, 15 से 16 फीट के पिलर्स हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो है जानवर को आप जो है रखेंगे, ठीक है, और ये यहाँ का जो एरिया ये खुला एरिया ऐसे ही छोड़ दिया है ताकि जानवर इधर उधर आ जा सकें। और ये जो एरिया होता है यहाँ पे जो लेबरर्स जो काम करते हैं वो अगर वो यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ पे जो जानवर होंगे खड़े होंगे उन पे जो है चारा डालेंगे, ठीक है, इस टाइप से होता। हर चीज़ की प्रॉपर यहाँ के जो विड्थ है वो भी आपको काफ़ी रखनी चाहिए, यहाँ से यहाँ की लंबाई है वो भी काफ़ी रखनी चाहिए, और देखिए काफ़ी खुला खुला है तो इसलिए इस है। और इसी को ही अब जैसे आपको कवर करना है तो आप इस पोर्शन को कवर कर दीजिए, इस पोर्शन को कवर कर दीजिए, ठीक, तो आराम से कोई भी डिज़ाइन है उसकी उस आराम से कन्वर्टेबल हो, कोई भी किसी भी फॉर्म में चेंज हो सकती है। नेक्स्ट काफ जो है जो बछड़े जो होते हैं उनका अलग प्लेस, उनको अलग रखना है ताकि वो जानवर जैसे कभी कभी आपस में लड़ जाते हैं तो उसमें के जो बच्चे जो काफ बछड़े जो होते हैं उनको कोई परेशानी ना हो। जो नए एनिमल्स आते हैं, देखिए नए एनिमल आप भी कहीं जाते हैं तो आपको भी जो नए एनवायरनमेंट में ढलने में टाइम लगता है, तो सेम एनिमल्स के साथ भी होता है। उनको जो नया जानवर आएगा उसको पहले अलग रखिए, उसको देखिए कोई बीमारी तो नहीं है, अगर बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट करिए, और क्वारंटाइन एरिया आपके पास होना चाहिए कि एनिमल्स का, ताकि जो उस जानवर को बीमारी है वो दूसरे जानवर में ना हो सके। सेट जो है नीट और क्लीन होना है, 24 घंटे उसमें जो है सफाई चलती रहनी चाहिए, और जितना ज़्यादा नीट और क्लीन होगा उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। मिल्क सेपरेट मिल्किंग एरिया होना चाहिए, फॉडर एरिया भी होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ये जो जहाँ जानवर बांधे जाते हैं उससे अलग होना चाहिए। ये देखिए जैसे मैंने बताया डिस्टेंस जो है ये 4 फीट की होनी चाहिए, कम से कम इतनी डिस्टेंस होगी। तो अगर आपका जो ये टीन सेड एरिया है, जैसे कि आप मान लीजिए ये अगर ये यहाँ से लेकर के यहाँ पीछे तक 100 फीट गया है, तो इसमें 4 फीट की आप जगह छोड़ के तो एक साइड में 25 जो है एनिमल्स, वो 100 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 25 एनिमल्स एक तरफ पे इधर खड़े हो सकते हैं, 25 इधर खड़े हो सकते हैं, तो 50 एनिमल्स के लिए शेड जो है वो काफ़ी है। नेक्स्ट जैसे देखिए 100 फीट का मैंने आगे दिखाया भी आपको, 80 to 10 10 फीट की जो है, अब 1 फीट जो होता है वो जो होता है वो 0.3 मीटर है, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से करना है। मेडिसिन प्रॉपर होनी चाहिए, काफ की जो केज है वो अलग हो, सिलेज ब्रंकर हो, अब इसलिए सिलेज मैंने बता चुका था मैं पहले ही, जो एग्रीकल्चर के काफ़ी वीडियोस बनाए मैंने, तो उसमें है ग्रीन फॉडर, जो ग्रीन फॉडर मतलब हरा चारा जो होता है उसका अलग स्टोरेज हो। एंट्री पॉइंट्स जो हैं, होता क्या है कि आप अपने घर में भी रहते हैं तो कुछ लोग आते हैं उनको बीमारियां होती हैं या कुछ उनको किसी भी टाइप की बीमारी है, तो आप भी अपने घर में को साफ सफाई करते हैं, छिड़काव जो डिसइंफेक्टेड लिक्विड या लाइमस्टोन कुछ टाइप से, ये तो जानवरों के लिए, कोई भी आप अपने यहाँ भी करते थे स्प्रे यूज़ करते हैं, रूम स्प्रे रूम फ्रेशनर इस टाइप से, सेम जानवर के लिए होता है। होता है कुछ लोग आए मान लो वो चप्पल पहन गया है जूते पहन गया है उनके पैरों में कुछ ऐसी चीज़ें, तो आप जो डिसइंफेक्टेंट लिक्विड जो है वो आप एंट्री पॉइंट्स पे इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि लोग आएँ तो उससे गुजर के आएँ तो जो जानवरों पे उसका जो असर ना हो, जो डिजीज़ है वो कम्युनिकेट ना हो, जैसे कि स्वाइन फ्लू डिजीज़ है जो जो पिक से आई थी, तो इस टाइप की डिजीज़ जो है वो ज़्यादा फैले ना, उन पे ना जाए जानवर उसके पास में। मैन्योर जो जो गोबर होता है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो साफ़ करते रहें, वो एक लेबरर्स हों जो साफ़ करते रहें कॉन्स्टेंटली, उसको हटाते रहें, और उसका प्रॉपर जो है डिस्पोजल दूसरी जगह हो, एक सेपरेट एरिया हो, और जो जानवर की पहुंच से काफ़ी दूर हो, क्योंकि होता क्या है कि जो गोबर होता है उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड मीथेन अमोनिया ये हार्मफुल गैसेस होती हैं जो जानवरों को काफ़ी हार्म कर सकती हैं। आप क्या करिए जो मैन्योर एरिया है उसको अलग रखिए, और उससे फिर बायोगैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करिए, कुछ भी दूसरे काम में ले लीजिए, या आप अपने खेत हैं आपके फार्म हैं एग्रीकल्चर में उसको यूज़ कर लीजिए। ये देखिए मैंने बताया 25 फीट का एरिया ये छोड़ा जाता है लमसम, इतना तो एग्जैक्ट छोड़ना ही चाहिए आपको। तो बस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ये एक बेसिक वीडियो था और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हम अगर किसी भी स्पेस को डिज़ाइन करते हैं या शेड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो किस टाइप का होना चाहिए, क्या ख्याल में रखने चाहिए।
अब ज़्यादा लोगों को अगर पसंद आएगा तो फिर मैं इस वीडियो को और बनाऊंगा और MCQs आज रात तक मैं अपलोड कर दूंगा उसको। ओके, थैंक यू।